Hello students, this is Bhumika Sharma from AMB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to study topic prepositions of English grammar. Let's start prepositions. Now what is prepositions? Prepositions aise words hote hain jo noun, pronoun ya. Let's start prepositions. What is prepositions? Prepositions ऐसे word होते हैं जो noun, pronoun या subject या doer की place, destination और time describe करते हैं कि जो doer है वो कब कहाँ काम कर रहा है. और prepositions ऐसे words भी होते हैं जो two nouns के बीच या two pronouns के बीच या noun और pronoun के बीच का relation बताते हैं. Words such as behind, under and near tell us where a person, place, animal or thing is. Such words are called prepositions. ऐसे कुछ words just like behind, under, near, ये word हमें क्या बताते हैं कि जो person, place, animal या thing कहाँ पे है, कौन सी place पे है. और ऐसे words को हम क्या बोलते हैं? Prepositions बोलते हैं. For example, Chick is behind a bush. अब यहाँ पे preposition word क्या है? Behind. Behind means क्या होता है? पीछे. तो अब हमारे पास है noun chick. Chick is behind a bush. तो chick कहाँ है? Bush के पीछे. तो यहाँ preposition word हमने क्या use किया है? Behind. Now, next, chick is in front of Alok and Alka. अब chick कहाँ है? In front of. यहाँ पे preposition word है in front of means सामने. A chick is in front of Alok and Alka. जो chick है वो किसके सामने है? Alok और Alka के सामने. तो यहाँ पे ये जो preposition word है ये हमें क्या बता रहा है? Noun की place बता रहा है कि वो in front of है, means सामने है. Now a chick is on a bench. अब यहाँ पे preposition word क्या है? On. On means ऊपर. तो chick कहाँ है? Bench के ऊपर है. A chick is on a bench. तो preposition word क्या है? On means ऊपर. Chick की place बता रहा है कि chick है bench के ऊपर. Now, next is under a chair. A chick is under a chair. अब यहाँ पे preposition word है under. Means chick कहाँ है? Chair के नीचे. Under means क्या होता है? Chair के under means नीचे. A chick is under a chair. तो chick की place बता रहा है वो कि chick कहाँ है? Chair के नीचे है. Next, a chick is near her mother. अब यहाँ पे preposition word क्या है? Near. Near means पास में. यहाँ पे preposition word है near. Near means पास में. A chick is near her mother. कि जो chick है वो अपनी mother के पास है. Next, a chick is inside the box. अब जो chick है यहाँ पे preposition word क्या है? Inside. Inside means अंदर. और आप यहाँ पे in भी use कर सकते हो, वो भी correct है. तो यहाँ पे preposition word है inside की, जो chick है वो box के अंदर है. Now, what did we get? कि जो prepositions होता है वो noun या pronoun की time, destination और place को describe करता है. Let's move to the exercise. Look at the picture. Circle the correct prepositions. आपको इस पिक्चर को देखना है और करेक्ट प्रपोजिशन पे सर्कल करना है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहाँ पर है. तो फर्स्ट, द मिल्क इज डैश द क्लास. अब यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा? नियर या इन. कि नियर मीन्स होता है पास और इन मतलब होता है अंदर. द मिल्क इज. अब मिल्क देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि मिल्क कहाँ है? पास तो नहीं हो सकता. नियर मीन्स तो पास होता है, मतलब इन आएगा यहाँ पे. द मिल्क इज इन द ग्लास. कि जो मिल्क है वो ग्लास के अंदर है. सेकेंड वन इज द ब्रेड इज डैश द प्लेट. यहाँ पे है कि ऑन अंडर. ऑन मीन्स होता है ऊपर और अंडर मीन्स होता है नीचे. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में कि जो ब्रेड है वो प्लेट के ऊपर है. तो हम यहाँ ऑन यूज करेंगे. ऑन मीन्स ऊपर. द ब्रेड इज ऑन द प्लेट. जो ब्रेड है वो प्लेट के ऊपर है. नाउ थर्ड वन इज देयर इज अ बॉटल डैश द ग्लास. अब यहाँ पे क्या है कि बॉटल है. तो अपन को उसकी प्रपोजिशन बतानी है, बिटवीन या बिहाइंड. बिटवीन मीन्स बीच में, बिहाइंड मीन्स पीछे. तो अगर आपको देखिए इसमें दिख रहा है कि जो बॉटल है वो पीछे है ग्लास के या बिटवीन है, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वो पीछे है. तो पीछे के लिए क्या यूज करते हैं? बिहाइंड. तो देयर इज अ बॉटल बिहाइंड द ग्लास. जो बॉटल है वो ग्लास के पीछे है. नाउ फोर्थ वन इज देयर इज अ जग
डैश द गर्ल। अच्छा अब आपको बता रहे बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ, जो जग है वो गर्ल के पीछे है। बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है सामने, तो वो पीछे है या सामने है? तो आपको दिख रहा है पिक्चर में कि वो सामने है, तो हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देयर इज अ जग इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वेयर इज पैरी, टेक द करेक्ट प्रिपोजिशंस। पैरी यहाँ पे एक पैरेट है, इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपोजिशन पे टिक लगाना है, करेक्ट प्रिपोजिशंस पे। तो फर्स्ट पैरी इज डैश द चेयर। अच्छा बिहाइंड और ऑन आपको बताना है कि पैरी कहाँ पर है। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे और ऑन मीन्स होता है ऊपर। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है जो पैरी है वो ऑन है, मीन्स ऊपर बैठा है, तो पैरी इज ऑन द चेयर, पैरी चेयर के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट, He is dash the door. Under, behind. Under means होता है नीचे और behind means होता है पीछे। अब जैसे कि आपको picture में दिख रहा है जो पैरी है वो door के पीछे है, तो हम यहाँ पे कौन सी preposition का use करेंगे? Behind. He is behind the door, कि वो door के पीछे है। Now next is, he is hiding dash the blanket. अब यहाँ पे है near और under. Near means pass और under means नीचे। तो पैरी कहाँ है? पैरी ब्लैंकेट के नीचे है, तो हम अंडर कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? अंडर। ही इज़ हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट, कि जो पैरी है वो ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, ही इज़ डैश द डॉल एंड द टैडी। अब जो पैरी है वो बिटवीन है या ऑन है? बिटवीन मीन्स होता है बीच में और ऑन मीन्स होता है ऊपर। अब आपको दिख रहा है पिक्चर में कि जो पैरी है वो डॉल और टैडी के बीच में है, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? बिटवीन का। ही इज़ बिटवीन द डॉल एंड द टैडी, कि जो पैरी है वो डॉल और टैडी के बीच में है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।